वाई के मुद्दे क्या क्या उठाना चाहते हैं। हेलो हेलो, मैं इतना कह सकता हूं कि 1957 में पहली सीट यहां का कीर्तिमान प्राप्त किया था हिम्मत सिंह को देकर, वो पौधा बढ़कर आज बढ़ते बढ़ते दरख्त हो गया है, दरख्त नहीं बरगद हो गया है, जिसका मुकाबला करने वाला कोई अब भारत में पैदा नहीं हुआ है। दिवाई ने पहले नाम रोशन किया है, लेकिन अब क्षेत्रों में जाके मैंने पूछा है, मुझे कोई समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैंने एक केवल पूछा कि आपकी इस 5 साल में सरकार ने क्या किया है, एक ही जवाब मिला, 16,000 गैस सिलेंडर, 3,000 खाते में, 1,000 खाते में, योगी का राशन अलग, मोदी का राशन अलग, फिर क्या महसूस करते हो? एक ही नारा मिला है, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। ऐसा समर्थन 88 साल की उम्र में जैसा इस वर्ष देखा है, वैसा मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं पाया। लोग 10 मार्च को दो ही शब्द कहते पाएंगे, ईवीएम खराब हो गई, हमारा तो वोट गड्ढे में चला गया। उनके लिए मैंने एक ही नारा दिया है, अरे अभी वक्त है, 5 साल हार में वोट कहलाओगे, अगर आप एक वोट जीती हुई पार्टी पे डाल दोगे तो 5 साल घमंड से कह सकोगे कि मेरी वोट से जीती थी भाजपा, इसलिए देश गोल्डन इंडिया बनने जा रहा है। और कौन व्यक्ति है भारत का जो देश को गोल्डन इंडिया नहीं बनाना चाहता? इसलिए मुझे कहना है, कोई समस्या नहीं है, आपने इस पीरियड में कि क्या कहते हैं जो कल आउट हुआ है, नहीं कल आउट हुआ है आपकी पार्टी, संकल्प। मैं पहले तो ये पूछना चाहता हूँ, 5 साल में जो सुख सबको मिल रहा है उससे खुश हो? खुश हो, जोर से कहो, खुश हो। अब इससे अगली 5 सालों में दूना सुख मिलेगा, उस पर गर्व करोगे? 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 बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिन भील, बिना मांगे हमको जो सरकार दे रही है, ऐसा संसार में कोई देने वाला पैदा नहीं हुआ, न जीवन में पैदा होगा। जय हिंद, जय भारत। ये भी अपने विचार रखना चाहते हैं? मैं सभी युवाओं से यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र निर्माण की पार्टी है, हमारा जो युवाओं का जो भविष्य है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि हम आने वाले कल हैं, हम इस देश को नई दिशाओं में ले जाना चाहते हैं, तो वो एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे भविष्य को तय करेगी, हमारे देश को भविष्य को तय करेगी। और आज जो विश्व स्तर पर भारत की अस्मिता जो बढ़ी है माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में, इसको हमें आगे लेके जाना है। जय हिंद, जय भारत। तो ये आज हम भाजपा कार्यालय पर थे, यहाँ पर भी लोग 10 तारीख को हर किसी को मतदान जरूर करना है, तो हमने यहाँ पर कमल के फूल पर जय हिंद प्रत्याशियों से जाना कि यहाँ के मुद्दे क्या क्या हैं, और ऐसे ही हम और प्रत्याशियों से जानते रहेंगे कि यहाँ के मुद्दे क्या क्या हैं और शिक्षा रोजगार के लिए उनका कितना योगदान रहेगा। काट दें, स्टोरेज फुल वो तो ना है, ये तो चल रही है, वीडियो चला रखी थी ना। हाँ। तो यहाँ भाजपा कार्यालय पर हमारे साथ उपस्थित हैं डिवाई विधानसभा के पूर्व विधायक आदरणीय श्री राम सिंह जी, आइए इनसे जानते हैं डिवाई विधानसभा के बारे में। तो सर, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की कमी रही है, जैसा कि कर्णवास गंगा घाट और आपका ये सड़कें भी, और यहाँ पर सबसे बड़ी कमी रही है रोजगार की और शिक्षा के मामले में। शिक्षा के मामले में ये कमी रही है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी महाविद्यालय का अभी तक निर्माण नहीं हो पाया है। आप यहाँ के सीनियर लीडर में आते हैं, तो आप अपनी पार्टी से क्या इसकी मांग करते हैं? पार्टी से मांग करेंगे कि यहाँ कोई एजुकेशन की यूनिवर्सिटी वगैरह खुलवा दे, मैं आपको बताऊँ, लड़कियों के लिए भी, शिक्षा के लिए डिग्री कॉलेज खुलवा दे।